हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं होम साइंस का आज का टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दालों के बारे में। ठीक है, दाल में कौन कौन से प्रोटीन तत्व, कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, दालों में कितना प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। तो दाल क्या है, प्रोटीन के बहुत ही अच्छे सोर्स माने जाते हैं। तो दालों में प्रोटीन जो है वो अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कितने से लेकर 18% से लेकर लगभग 42% तक दालों में जो है वो प्रोटीन पाया जाता है। दालों का मुख्य प्रोटीन कौन सा है, यानी कि प्रोटीन ऐसा प्रोटीन जिसमें कि अमीनो अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो। तो दालों का मुख्य प्रोटीन कौन सा है, तो ग्लोब्यूलिन। जैसे गेहूँ में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटीन। मक्के में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, प्रोलामिन। और चावल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लूटेलिलिन। इस तरीके से दाल का मुख्य प्रोटीन है ग्लोब्यूलिन। ठीक, आगे देखते हैं दालों में किस अमीनो अम्ल की प्रधानता होती है। ठीक है, तो दालों में लाइसिन और थ्रियोनिन, ये दो अमीनो अम्ल है, इनकी क्या होती है, प्रधानता होती है। ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दालों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है। तो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल की दाल में जो है वह कमी होती है। सारे अमीनो अम्ल तो पाए नहीं जाते हैं, तो कौन से पाए जाते हैं, लाइसिन और थ्रियोनिन। कौन से नहीं पाए जाते हैं, तो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल जो है वह नहीं पाए जाते हैं। दालों की पाचनशीलता क्यों कमज़ोर होती है, तो दालों की पाचनशीलता उनके प्रोटीन के अणु भार अधिक होने के कारण, ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन का अणु भार अधिक होने के कारण दालों की पाचनशीलता कमज़ोर होती है। कहने का मतलब ये है कि दाल जो है वह पचने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दालों में कार्बोज स्टार्च के रूप में कितना प्रतिशत तक उपस्थित रहता है। सबसे पहले तो ये ध्यान दीजिए कि जो दालों में ऊर्जा संचित होती है किस रूप में होती है, यानी जो कार्बोज संचित होता है किस रूप में होता है, तो स्टार्च के रूप में होता है। इसके पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को कि जो हरे पौधे हैं वह अपना भोजन जो है, यानी अपना कार्बोज जो है वह अपनी ऊर्जा को स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं। तो दालों में स्टार्च कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो 55 से लेकर 61% तक जो है दालों में स्टार्च पाया जाता है। दालों में कौन सा विटामिन अनुपस्थित रहता है, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दालों में विटामिन सी की जो है वह अनुपस्थिति होती है। बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ताजे और खट्टे फल मौसमी फलों में जो है वह विटामिन सी के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। आगे देखते हैं दालों के विषैले तत्व, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप लोग मार्क कर लीजिए कि दालों के विषैले तत्व बताइए। बेसिकली ये बहुत सारे हैं, ठीक है, आप लोग सिर्फ नाम जानिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सिर्फ नाम को ध्यान रखिएगा कि कौन कौन से दालों के विषैले तत्व हैं जो कि दाल की पोषकता को प्रभावित करते हैं। तो इनमें सबसे पहले है, देखिए, हीमेग्लूटिनिन, ट्रिप्सिन, एल्केलाइड्स, सैपोनिन, साइनोजेनिक, ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइक्ट्रोजन और केसारी दाल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि केसारी दाल का टॉक्सिन क्या है। तो यह दालों में पाए जाने वाला विषैला तत्व है। ठीक है, इससे क्या होता है कि पोषक तत्वों में, जब दाल हम पकाते हैं या भिंगोते हैं या अंकुरित करते हैं, तो इससे ये सारी चीज़ें जो है, ये जो विषैले तत्व हैं, ये समाप्त हो जाते हैं और इनकी पोषकता पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए दालों को अच्छे से भिगो के धो के ही इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें दाल से रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखते हैं सोयाबीन के बारे में। सोयाबीन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सोयाबीन में कितना प्रतिशत तक प्रोटीन पाया जाता है, तो ध्यान दीजिए कि सोयाबीन में 43% तक प्रोटीन पाया जाता है। एक और पॉइंट कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन का अच्छा, सबसे सर्वोत्तम सोर्स क्या है, तो वो भी सोयाबीन है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि मांस में जो है वो प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में दे दे मांस और सोयाबीन, तब भी आप लोग सोयाबीन पर ही टिक करिएगा, क्योंकि वेज या नॉन वेज दोनों में सबसे बेहतर, यानी सबसे सर्वोत्कृष्ट जो सोर्स होता है प्रोटीन का, वो सोयाबीन ही होता है, चाहे वेज में रहे या फिर नॉन वेज में। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग, सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम सोर्स है सोयाबीन, प्रोटीन का सबसे सर्वोत्तम सोर्स माना जाता है। आगे देखते हैं सोयाबीन में वसा की मात्रा, सोयाबीन में फैट भी अच्छी खासी मात्रा में मिलते हैं, तो कितना हुआ, 20% तक जो है वह फैट पाया जाता है। सोयाबीन में मांस की अपेक्षा कितना प्रोटीन अधिक होता है, अभी मैंने बताया कि अगर वेज या नॉन वेज में भी कंपेयर करके दे, तो भी आप लोग सोयाबीन ही लगाइएगा। सोयाबीन में मांस की अपेक्षा देखिए दुगना होता है। ठीक है, सोयाबीन में मांस की अपेक्षा दुगना प्रोटीन होता है, जबकि अंडे की अपेक्षा 4 गुना प्रोटीन, दाल या अंडा, इन सब की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा प्रोटीन होता है। बात ध्यान रखिएगा कि चिकन यानी मांस की अपेक्षा दुगना
और अंडे या दाल इन सब की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा प्रोटीन जो है वह सोयाबीन में पाया जाता है। आगे देखते हैं सोयाबीन में कितने प्रकार के प्रोटीन, ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रोटीन लिखना छूट गया है, कितने प्रकार के जो है वह प्रोटीन पाए जाते हैं। तो देखिए ग्लाइसिनिन मुख्य मुख्य प्रोटीन है, ग्लाइसिनिन, लिग्यूमेलिन और फैसियोलिन, ये सारे प्रोटीन जो है वह सोयाबीन में पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं, नाम आप लोग ध्यान रखिएगा कि सोयाबीन में कौन कौन सा प्रोटीन जो है वह पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, सोयाबीन में कौन सा विटामिन पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो सोयाबीन में विटामिन ए और राइबोफ्लेविन, ये दोनों विटामिन भी जो है सोयाबीन में पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए सोयाबीन जो है वह भोजन में हमेशा उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि एक तो यह बहुत महंगा नहीं रहता है, हमारे बजट में आता है और सारे पोषक तत्व इसमें जो है वह भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सोयाबीन में कितना प्रतिशत वसा मिलता है, ध्यान दीजिए 17 से 20%। अभी मैंने बताया था कि 20% तक सोयाबीन में वसा की मात्रा जो है वह होती है। सोयाबीन में किस खनिज लवण की अधिकता होती है, तो देखिए मिनरल्स भी इसमें अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं, तो फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन, ये सारे जो है मिनरल्स सोयाबीन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, 100 ग्राम सोयाबीन से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो 100 ग्राम सोयाबीन से 432 कैलोरी, ध्यान दीजिए 100 ग्राम सोयाबीन से 432 कैलोरी ऊर्जा जो है वह हमें मिलती है। नेक्स्ट है हमारा गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो ग्लूटीन। ठीक है, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है, तो ग्लूटीन होता है। धान के कुट जाने से कौन सा पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है, यानी धान जब कुट जाता है तो राइबोफ्लेविन और विटामिन ए जो है वह नष्ट हो जाता है। गेहूं में कौन से अमीनो एसिड यानी कौन से अमीनो अम्ल का अभाव होता है, तो लाइसिन, ध्यान दीजिएगा गेहूं में लाइसिन का अभाव होता है, जबकि दालों में जो है वह लाइसिन अच्छी मात्रा में मिलता है। दालों में कौन सा अमीनो अम्ल नहीं होता है, तो दालों में आइसोल्यूसिन जो है वह नहीं मिलता है। आगे देखते हैं, एक प्रौढ़ व्यक्ति को प्रतिदिन में कितनी मात्रा में दाल लेनी चाहिए, तो 60 से 70 ग्राम दाल जो है वह एक प्रौढ़ व्यक्ति को एक दिन में लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज का ये छोटा सा वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स ये मेरा बदमाश रैबिट है, बहुत परेशान कर रहा था अभी वीडियो बनाने में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे ज़रूर पूछिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।